इस लैपटॉप के नीचे बेस पे 10 स्क्रू लगे हुए हैं। सबसे पहले हम उसे खोलेंगे। 3 स्क्रू इसमें से मिसिंग है। अभी हम ट्वीज़र को अपर केस और बेस के बीच में जो गैप आता है उसमें डालेंगे और अपर केस को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस मॉडल में जो लैप मदरबोर्ड है वो बेस पे टाइट किया हुआ है, तो अपर केस आपका बाहर की तरफ निकलेगा। धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है अपने अपर केस, क्योंकि नीचे कीबोर्ड और टच पैड की केबल लगी होती है मदरबोर्ड के साथ। सबसे पहले हम टच पैड की केबल को अनलॉक करेंगे और निकालेंगे, फिर कीबोर्ड की केबल को अनलॉक करेंगे और इसे भी निकालेंगे। अभी हम बैटरी की वायर को निकालेंगे। लॉक को ऊपर की तरफ करना है और बैटरी की केबल को बाहर निकाल लेना है। अब बैटरी पे 4 स्क्रूज लगे होंगे, इसे हम खोल लेंगे। अभी केबल को पकड़ के खींच लेंगे बाहर की तरफ। ये आपकी बैटरी बाहर आ गई। अभी डीवीडी ड्राइव का एक स्क्रू लगा है, उसे खोल लेंगे। इसे ट्वीज़र की मदद से बाहर की तरफ स्लाइड कर लेंगे। ये स्पीकर जो देख रहे हैं, ये लैपटॉप किसी और लैपटॉप का स्पीकर लगाया हुआ है इसमें, साइज से पता चल जाएगा। अब हम हार्ड डिस्क केसिंग के 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, उसे खोल लेंगे। इसे हम ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेंगे और बाहर खींच लेंगे। अभी मदरबोर्ड पे 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, इसे खोल लेंगे। और एक वाईफाई कार्ड पे लगा हुआ है। अभी हम वाईफाई एंटीने की केबल को बाहर खींच लेंगे। डिस्प्ले केबल को बाहर की तरफ, केबल को पकड़ के ऊपर की तरफ आपने खींचना है। ये आपकी केबल बाहर आ गई। अब ये फ़ैन की केबल है, इसे ट्वीज़र से आप निकाल सकते हैं। ये स्पीकर की केबल है, इसे भी बाहर की तरफ खींच लेना है। ये यूएसबी कार्ड की है, अनलॉक करके केबल को बाहर निकाल लेना है। अभी मदरबोर्ड को राइट साइड से उठा के बाहर निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं DDR3 रैम है और प्रोसेसर है। बाकी ये पार्ट से आपके फ़ैन, वाईफाई कार्ड, यूएसबी कार्ड, डीवीडी ड्राइवर। अभी हम वाईफाई कार्ड को फिट करेंगे मदरबोर्ड के नीचे जो कनेक्टर लगा हुआ है, और अभी हम मदरबोर्ड को लगा लेंगे। डिस्प्ले केबल को ऊपर उठा के लेफ़्ट साइड में करके, केबल्स का ध्यान रखना है आपने कि कोई केबल ना नीचे आ जाए मदरबोर्ड के। अभी हम इसे फिक्स कर लेंगे। डिस्प्ले केबल को लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाना है, टेप को ऊपर पकड़ के।
अब वाईफाई एंटीने की केबल को आराम से लगाना है आपने। अब यूएसबी कार्ड की केबल को अंदर डालना है और ऊपर से लॉक कर देना है। स्पीकर्स की केबल को डाल देंगे अंदर, फैन की केबल को डालेंगे अब अंदर। अब डीवीडी ड्राइव को अंदर स्लाइड कर देंगे। अभी हम पहले वाईफाई कार्ड का स्क्रू लगाएंगे। फिर चार स्क्रू मदरबोर्ड के हैं, उसे टाइट करेंगे। अभी हम हार्ड डिस्क को डालेंगे अंदर। अंदर डाल के इसे मदरबोर्ड के कनेक्टर की तरफ अंदर की तरफ प्रेस करना है आपने, स्लाइड करना है। देखिए आपने रखा है हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के कनेक्टर की तरफ स्लाइड कर देना है आपने अंदर की तरफ। अभी हम चार स्क्रू हार्ड डिस्क केसिंग के लगाएंगे। अभी हम बैटरी को अंदर डालेंगे। एक स्क्रू डीवीडी ड्राइव का लगाएंगे और चार स्क्रू बैटरीज के लगाएंगे। अभी बैटरी की केबल को अंदर डालना है, ऊपर से प्रेस करना है बैटरी की केबल को और जो लॉक है उसको अंदर की तरफ स्लाइड कर देना है। आप ट्वीज़र की मदद से कर सकते हैं आराम से। अभी जो ऊपर का केस लगाया अपर केस केबल लगाएंगे हम उसमें। सबसे पहले कीबोर्ड की केबल को अंदर डालना है और ऊपर से लॉक कर देना है। अब टच पैड की केबल को अंदर डालना है और ऊपर से लॉक कर देना है। आप ट्वीज़र की मदद भी ले सकते हैं। अभी हम अपर केस को सभी तरफ से प्रेस कर देंगे ताकि जो प्लास्टिक लॉक से वो प्रॉपरली अटैच हो जाए। अभी हम प्रॉपरली चेक कर लेंगे एकदम पैक है कि नहीं, कहीं कोई गैप तो नहीं रही। अभी हम बेस के बाकी के 10 स्क्रूज को टाइट करेंगे, पर इसमें 3 स्क्रू मिसिंग से। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम लैपटॉप को ऑन करके चेक कर लेंगे। इस लैपटॉप में जो स्क्रीन है उसमें हाफ वाइट है, वो स्क्रीन में प्रॉब्लम है। फिलहाल आपको ऑन करके डिस्प्ले चेक करा देंगे।